तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान डे वन की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फुल डे रिपोर्ट आ चुकी है। फर्स्ट डे में कितना क्या कलेक्शन रहा, कैसा क्या रिपोर्ट रही, पूरी वो फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। हिंदी से कितनी कमाई करी डे वन में, तमिल से कितनी कमाई करी डे वन में, तेलुगु से कितनी कमाई करी डे वन में, ये पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। एक एक करके अब इस पर बात करी जाएगी। इससे पहले जो दो वीडियो निकाली थी, किसी में 6 बजे तक की रिपोर्ट थी तब वो अपडेटेड आंकड़ा मैंने बताया था, किसी में 11 बजे तक की रिपोर्ट मैंने दी थी, किसी में 3:30 बजे तक की। तो अब फुल डे रिपोर्ट आ चुकी है। अब एक्चुअली पता लग जाएगा कि जवान ने फर्स्ट डे पर कितनी ग्रोथ करी है, अपना आंकड़ा ये अपने खाते में लेके आई है पूरी दुनिया से और इंडिया से। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी में 65.5 करोड़ जवान ये आंकड़ा अपने फर्स्ट डे में कलेक्ट कर चुकी है और बॉलीवुड की नंबर वन मूवी बन चुकी है, नंबर वन ग्रॉसर मूवी बन चुकी है जो अपने पहले दिन में इतनी बड़ी ओपनिंग ली। इससे पहले पठान थी जिसने डे वन पर हिंदी से सिर्फ 55 करोड़ का आंकड़ा चुराया था। उसके बाद KGF 2 जिसने 54 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया था। उसके बाद वॉर 53.20 करोड़ के आसपास थी। गदर 2 ऑल्सो इन रेंज ऑफ 50 करोड़। तो अब जवान जो है पहले नंबर पर आ चुकी है, पूरे 10 करोड़ ज्यादा है इन सब फिल्मों से, पठान से, क्योंकि पठान पहले नंबर पर थी पहले, लेकिन अब जवान हो चुकी है। अब सवाल यह आता है कि हिंदी से डे वन में जवान का यह जाइंट रिकॉर्ड अब कौन तोड़ सकता है। मेरी नजर में सिर्फ एक बंदा आ रहा है, टाइगर। बिल्कुल टाइगर 3 में वो पोटेंशियल है, मैं फिर कह रहा हूं ये बीट डाउन कर सकता है, वरना ये बीट डाउन नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ प्रभास में दम है जो इस आंकड़े को बीट डाउन कर जाए, जवान के हिंदी कलेक्शन के डे वन के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर जाए। तमिल से 5.3 करोड़ का कलेक्शन किया फर्स्ट डे पर, तेलुगु से 3.7 करोड़ का ऑफिशियली कलेक्शन रहा डे वन पर। टोटल हो जाता है तीनों को मिलाकर, हिंदी तमिल और तेलुगु को मिलाकर फर्स्ट डे का कलेक्शन 74.5 करोड़ के आसपास। ये हुआ फाइनल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन बना फर्स्ट डे का 90 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से आया है 39.60 करोड़, राउंड फिगर में आप 40 करोड़ इसे कह सकते हैं। तो ओवरसीज से भी धमाल करा, ओवरसीज के मामले में भी पठान को बीट डाउन कर दिया, जो 37 करोड़ का होल्ड करके बैठी थी, तो पठान को भी बीट डाउन कर दिया SRK ने, खुद की मूवी को बीट डाउन कर दिया जवान से। अब बात आती है कि टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता है। टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज और इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मिलाकर 129.60 करोड़ के आसपास, राउंड फिगर में 130 करोड़ मान के चलो। ओनली SRK एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक नहीं दो बार बॉलीवुड में 100 करोड़ क्रॉस किया है, वरना आज तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म ने डे वन में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव नहीं करी थी, वो भी एक ही साल के अंदर। सिर्फ SRK मेड इट पॉसिबल। SRK ने खुद अपनी मूवी पठान को भी खदेड़ दिया कल रिलीज होने वाली जवान मूवी के साथ, मतलब बैक टू बैक एक ही साल में दो ब्लॉकबस्टर मूवी और डे वन में हिस्ट्री क्रिएट करके 100 करोड़ क्रॉस कर दिया। तो पठान ने डे वन पर 106 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था और अब जवान ने डे वन में 129.6 करोड़ की फर्स्ट डे ओपनिंग डे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करा है। शानदार, धमाकेदार, अमेजिंग दोस्तों। 2023 SRK के लिए बेस्ट है, सिर्फ SRK के लिए नहीं बॉलीवुड के लिए भी बेस्ट है, हिंदी सिनेमा के लिए बेस्ट है, क्योंकि हिंदी सिनेमा से कोई भी आज तक डे वन में इतनी बड़ी ओपनिंग किसी ने नहीं ली जो 100 करोड़ क्रॉस कर जाए। तो अब बात आती है कि आज डे टू में कैसी ग्रोथ कर रही है मूवी। आज फ्राइडे वर्किंग डे है, बावजूद इसके जबरदस्त ग्रोथ कर रही है आज भी। आज डे टू के कलेक्शन से ये पठान के डे वन के ही कलेक्शन को खदेड़ रही है, 57 करोड़ का जो था आज भी 60 करोड़ टच करते नजर आ रही है इंडिया से जवान कलेक्शन के मामले में, क्योंकि इवनिंग से जो उछाल मारा है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग से नाइट तक 1.5 गुना शोज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फुल हाउसफुल शो चल रहे हैं नाइट में। तो डे टू में डिटेल से बात करेंगे अगली वीडियो में, आज कैसी ग्रोथ रही कैसी नहीं, फुल डे का सिनेरियो होगा, कितना एडवांस कलेक्शन से शुरुआत करी, कब कितनी ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट थी, मॉर्निंग में क्या था, आफ्टरनून में कितना ऑक्यूपेंसी रेट था, एक एक करके डिटेल टू डिटेल चर्चा करेंगे। ओवरसीज से कितना कमाया, नेट इंडियन कलेक्शन कितना रहा और ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा आज डे टू का, सब पे बात होगी आगे वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस लगातार टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक भी करना है। बाकी बॉक्स ऑफिस से अपडेटेड वीडियोज के लिए और मूवी रिव्यूज के लिए मिलते रहेंगे ऐसे ही बार बार। जय हिंद, बाय बाय।